गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के सामने आपके अपने परिवार एग्जाम पूर्व में दोस्त हो चुके सुबह और मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ डेली वोकैब पकेट धमाका। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी क्लास डेली सुबह 6:30 बजे होती है और आपकी जो ये क्लास है वो किस चीज की है, डेली वोकैब पकेट धमाका, जो कि आपका डेली सुबह 6:30 AM पर होता है। ठीक है, सभी लोगों को बात पता होनी चाहिए क्योंकि आज है आपका सैटरडे और सैटरडे वाले दिन हमारा कुछ स्पेशल होता है। और स्पेशल क्या होने वाला है, आपकी जो प्रीवियस क्लासेस है आपकी वोकैब की प्लेलिस्ट है, आप जाइएगा, आपको सर्च कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर लगभग 190-192 के आसपास वहां पर क्लास अवेलेबल है। तो मैंने जो आपको सोचा है, प्लान यही किया है कि क्यों ना आपको पीछे से रिविजन कराना स्टार्ट करा दूँ और आगे आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो चीज़ें जो है नए स्टूडेंट आएंगे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और जो पुराने स्टूडेंट हैं जिस क्लास को रेगुलरली देख रहे हैं उनको तो और मज़ा आ जाएगा क्योंकि उनका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा क्लास के अंदर अंदर। तो अब तक मैंने क्लास 101 से लेकर 106 तक रिवीजन कराया है, बहुत ज़्यादा रिवीजन भी नहीं हुआ है, बस दो क्लास हुई है रिवीजन की। आज हम रिवीजन करने वाले हैं आपकी क्लास 107 साथ 108 का। ठीक है, तो ये दो क्लासेस होंगी हमारी रिवीजन की। खास बात क्या रहेगी कि हमने यहाँ पर जो भी वोकैब को किया था वहाँ पर हम कवर करेंगे, साथ साथ यहाँ पर हम हर एक वर्ड से रिलेटेड एक ट्रिक को ढूंढेंगे। तो यहाँ बहुत सारे वर्ड मेरे सामने अवेलेबल है, अब मैं आपको यहाँ पर एक एक करके हर एक वर्ड को लिखवाऊंगा, आप सभी को जो है उसको नोट करना है और बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से उसको क्या करना है, समझना है। ठीक है, सभी लोग जो है बहुत अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है, शाबाश। चलिए भाई, अब मैं आपको यहाँ पर जो पहला वर्ड आता है वो क्या है, आपका जरा ध्यान से देखेंगे क्या है आपका यहाँ पर पहला वर्ड, कोरोबोरेटेड। क्या है आपका वर्ड ये, कोरोबोरेटेड। क्या है आपका वर्ड ये, कोरोबोरेटेड। कोरोबोरेट का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज की पुष्टि करना, किसी भी चीज की पुष्टि करना। ठीक है, सोडियम के बारे में अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये कन्फर्म, क्या हो जाएगा, कन्फर्म। लेकिन अब जो मजेदार बात है वो आपके सामने आएगी, क्या कि भैया इसकी ट्रिक बता दो, मजा आ जाएगा। और ट्रिक कैसी है, बड़ी शानदार। कोरोबोरेटेड अगर आपको याद करना है तो देखिए ध्यान से, कोरोबोरेटेड में छुपा हुआ है आपका क्या, रोबोट। क्या छुपा है आपका यहाँ पर, रोबोट। देखिए मैंने बोला कोरोबोरेटेड तो साउंड आया किसका, रोबोट का जैसा। और रोबोट क्या करता है, हर एक चीज की पुष्टि करता है, ये चीज सही है या ये चीज गलत है। तो कोरोबोरेटेड को याद करेंगे आप किससे, रोबोट से। कितनी बढ़िया ट्रिक थी, शानदार वर्ड था। ठीक है, अगला वर्ड लेते हैं आपका, नेक्स्ट वर्ड आपका है यहाँ पर हैजार्डस। क्या है आपका यहाँ पर वर्ड अगला, हैजार्डस। हैजार्डस का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका, खतरनाक, भयंकर, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका सिनोनियम, डेंजरस। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका सिनोनियम, डेंजरस। क्लियर हो रही बात है सभी को। अब देखिए इसकी ट्रिक, फिर से मजा आ जाएगा आपको। अगर आप हैजार्डस को जरा ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर साउंड आएगा आपका हजार दुश्मन। क्या आएगा आपका यहाँ पर, हजार दुश्मन। हैजार्डस साउंड्स लाइक हजार दुश्मन, जिसके हजार दुश्मन है, जिसके क्या है आपके हजार दुश्मन है, वो क्या है आपके लिए, खतरनाक है। तो जिसके आपके हजार दुश्मन है वो कैसा हो जाएगा आपके लिए, खतरनाक हो जाएगा। भैया एक दुश्मन से ही क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हजार दुश्मन से तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, हजार को याद कर लेंगे आप हजार दुश्मन से। ठीक, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है आपका यहाँ पर, इनसिपिड। ये कल की क्लास में भी आया था आपका इनसिपिड। इनसिपिड का मतलब होता है आपका स्वादहीन, जिसमें कोई भी स्वाद ना हो, स्वादहीन। ठीक है, सिनोनिम के बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, टेस्टलेस। क्या हो जाएगा, टेस्टलेस। याद करने की टिप मैंने आपको बताई थी, ये देखिए ध्यान से देखिए क्या छुपा हुआ यहाँ पर, ये सिप, और आगे क्या है इसका, इन। तो याद रखिए सिप क्या होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक का आपने सिप लिया, चाय का आपने सिप लिया, कॉफी का आपने सिप लिया, और जब भी किसी भी चीज में इन लग जाता है तो वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव। यानी कि ये जो सिप था वो बेकार था, इसमें क्या कोई भी स्वाद नहीं था। क्लियर हो रही बात है सभी को। चलिए ये बात हो गई आपकी, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका यहाँ पर, प्रूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका यहाँ पर, प्रूडेंट। प्रूडेंट का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका, विवेकी, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, होशियार है, वो क्या है आपका, प्रूडेंट है। तो यहां पर अगर इसके सुनने के बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये स्किलफुल, स्किलफुल। अब देखिए इसकी ट्रिक,
देखिए, जब भी आप विवेकी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, आप कैसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्राइड हो जाता है, आपको घमंड हो जाता है, ये ऐसा होता है थोड़ा बहुत जो है वो, इसको प्राइड बोल दीजिए या पॉजिटिवनेस बोल दीजिए, कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप कैसे हैं, बहुत ज्यादा प्रूडेंट है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पर हमारे 4 वर्ड हो जाते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सबकी बड़ी शानदार ट्रिक बताइए, मजा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, लाइक जरूर कर देंगे यार, सभी लोग लाइक करेंगे। देखिए, आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसलिए आपके लिए ज्यादा से ज्यादा, देखिए कोरोना बेटी कितनी शानदार ट्रिक लाया मैं, रोबोट हजार डस की हजार दुश्मन है तो क्या है, खतरा है, खतरनाक है। ठीक है, फटाफट से नोट करो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी से, बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे जल्दी से इसको बढ़ो। क्लास नंबर 107 108 ये आपकी है। अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलती है, सिंपल यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा वोकैब बाय अनुसर, आप जो है वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास नंबर 107 108 उठा करके देखिएगा, यही वर्ड मिलेंगे आपको। ट्रिक मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, चलिए इसको नोट करते हैं, इसको फटाफट से यहाँ से इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है आपका यहाँ पर पैक्ट। देखिए पैक्ट का क्या मीनिंग होता है, आपका सी है ये आपका पैक्ट, संधि क्या होता है आपका, संधि, जब दो देशों के बीच में क्या होता है, संधि होती है, समझौता होता है, तो आप क्या बोलते हैं उसको, कि क्या हो गई है, ट्रीटी हो गई है, क्या हो गई है, ट्रीटी। पैक्ट को याद करें ना, पैक से क्या कि सारी संधियां क्या हो गई हैं आपकी, पैक हो गई हैं। हालांकि ये वर्ड आपको जो है आसानी से याद हो गया हो, क्योंकि काफी कॉमन वर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है आपका यहाँ पर, ऑबिलिट्रेट, क्या है आपका यहाँ पर वर्ड अगला, ऑबिलिट्रेट। ऑबिलिट्रेट का आपका मीनिंग होता है किसी भी चीज को नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। याद रखेंगे, जब भी हम किसी भी चीज को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऑबिलिट्रेट, क्या बोलते हैं उसको, ऑबिलिट्रेट। ठीक है, क्लियर हो रही बात है सभी को? हाँ जी, नष्ट करना, किसी भी चीज को बर्बाद कर देना क्या कहलाता है आपका यहाँ पर, ऑबिलिट्रेट, क्या कहलाता है आपका यहाँ पर, ऑबिलिट्रेट। हाँ, मेरे को स्पेलिंग कुछ गलत लग रही है यहाँ पर, गलत ही है, ठीक है, सही कर लेते हैं इसको, क्या है आपकी, ऑबिलिट्रेट, ये आप सही होगी आपकी। ठीक है, जब भी देखिए कुछ भी आप गलत करते हैं, आपको अंदर से एक आवाज आ जाती है कि कुछ गलत हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया आपके यहाँ पर, ऑब्लिट्रेट। क्लियर हो रही बात है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑब्लिट्रेट को अगर आपको याद करना है, बहुत शानदार ट्रिक फिर से आपके सामने, यहाँ पर छुपा हुआ है आपका क्या, लिटरेट छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से इस वर्ड को देखें, तो उसमें क्या छुपा हुआ है आपका यहाँ पर, लिटरेट, क्या छुपा हुआ है आपका, लिटरेट। और लिटरेट क्या मीनिंग होता है, पढ़ा लिखा। अब जो पढ़ा लिखा है वो चीजों को क्या नहीं करेगा, नष्ट नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। याद कर लेंगे इसको, ऑब्लिट्रेट को याद कर लेंगे इससे, लिटरेट से, लिटरेट है तो यानी कि चीजों को क्या नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो रही है बात? आगे चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है यहाँ पर आपका, इनएफेबल, क्या है आपका यहाँ पर, इनएफेबल का क्या मीनिंग होता है आपका, अवर्णनीय, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, जिसको बयान नहीं किया जा सकता, है ना, कहते हैं ना इसको आप बयान नहीं कर सकते, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इनडिफाइनेबल, इनडिफाइन, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, वो कैसा है हमारा, इनडिफाइन है, यानी कि इनएफेबल है। देखिए इनएफेबल को अगर आपको याद करना है, तो यहाँ पर कुछ कुछ साउंड आ रहा है, एफिल, एफिल से क्या वर्ड निकलता है हमारा, एफिल टावर, एफिल टावर की ऊंचाई को बया करना बड़ा ही मुश्किल है। इनएफेबल को आप याद कर लेंगे किससे, कि भैया एफिल टावर की ऊंचाई को बया करना कैसा है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको बया नहीं कर सकते, तो इनएफेबल को याद कर लेंगे, एफिल, इनएफेबल, एफिल, इस तरह की ट्रिक निकल करके आ रही है, वर्ड निकल करके आ रहा है, ये आपका यहाँ पर तरीका बन जाता है इनएफेबल को याद करने का। यहाँ पर जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपको और वर्ड यहाँ पर बताएंगे। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, ठीक है, चलिए एक वर्ड और लिख लीजिए यहाँ पर, एक छोटा सा वर्ड यहाँ पर आ सकता है, एमिटी, क्या आपका, एमिटी, एमिटी का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका, मित्रता, दोस्ती, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सोनी आपका, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, ठीक है। देखिए एमिटी को याद करने के दो तरीके हैं, आप एमिटी को याद कर लीजिए अमित से, है ना, अमित नाम के जो लड़के होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े ही दोस्त वाला व्यवहार होता है, जैसे हमारे एडिटर साहब हैं, वो भी क्या, उनका नाम क्या है, अमित है, तो उनका व्यवहार कैसा है, दोस्ताना, तो याद रख लेंगे आप उसको एमिटी से, याद कर लेंगे उसको एमिटी से। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक सभी को, अमित से याद कर लेंगे।
अदरवाइज एक यूनिवर्सिटी भी है आपकी, एमिटी यूनिवर्सिटी है ना। तो एमिटी यूनिवर्सिटी क्या कहती है, एक फ्रेंडशिप को बोलते हैं। किसी भी चीज़ का नाम होता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो एमिटी ने अपना नाम जो है एमिटी इसलिए रखा है, क्यों, फ्रेंडशिप के लिए, पॉजिटिवनेस के लिए। तो फटाफट से सब लोग उसका जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा इसको यहाँ पर। बहुत अच्छे, शाबाश। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका यहाँ पर, ई डिफाइन। क्या है आपका यहाँ पर वर्ड, ई डिफाइन। ई डिफाइन का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, आपका शिक्षाप्रद, यानी कि उपदेश देना, किसी को भी उपदेश देना क्या कहलाता है आपका यहाँ पर, ई डिफाइन। यानी कि आप बोल सकते हो कि इसको एजुकेट करना, इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्टिव वर्ड होता है वो भी आपका क्या होता है, एजुकेट करना, इंस्ट्रक्टिव, ठीक है, उपदेश देना। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें, क्या आपका वर्ड ये ई डिफाइन, क्या आपका वर्ड ये आप आई है, ठीक है, ये आपका आई है ई डिफाइन। इसे क्या मीनिंग बताया मैंने आपको, शिक्षाप्रद उपदेश देना। तो इसमें यहां पर छुपा हुआ है डिफाइन, क्या करना, डिफाइन, ई डिफाइन साउंड लाइक डिफाइन, ई डिफाइन, डिफाइन सेम साउंड कर रहा है। जब आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं, आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। तो यहां से हमारा मीनिंग निकल करके आ जाता है, डिफाइन किया, उपदेश दिया, क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है यहाँ पर, फीबल। क्या है आपका यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड, फीबल। फीबल का आपका मीनिंग होता है कमजोर या आपका थका हुआ, है ना, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये वीक। अब देखिए फीबल को याद करना है आपको, फीबल को अगर आप याद करेंगे तो यहां से याद कर लो, बहुत बढ़िया ट्रिक, फी प्लस एबल। जो क्या है, फीस देने के एबल नहीं है, जो स्कूल की फीस देने के एबल नहीं है, किसी भी चीज की फीस देने के एबल नहीं है, यानी कि वहां पर कोई दिक्कत है, यानी कि वो कैसा है, फाइनेंशियली कैसा है, कमजोर है, वीक है, क्लियर हो रही बात है सभी को। चलिए ये वर्ड हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका यहाँ पर, एक्सटेंट। क्या है आपका यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड, आपका एक्सटेंट। एक्सटेंट का आपका मीनिंग होता है आपका विलुप्त, कैसा है, जो विलुप्त हो गया है, क्या हो गया है, विलुप्त हो गया है, यानी कि कैसा है वो, एग्जिस्ट में नहीं रहा, नॉन एग्जिस्टेंट, क्या हो गया है वो, एग्जिस्ट में नहीं रहा, है ना, नॉन एग्जिस्टेंट हो गया वो, क्या है आपका वर्ड यहाँ पर, एग्जिस्टेंट। अब देखिए इसको याद करने की शानदार ट्रिक, एक्सटेंट को आप याद कर लो एग्जिट से, एग्जिट। देखिए एक्सटेंट साउंड्स लाइक एग्जिट, एक्सटेंट साउंड्स लाइक एग्जिट। जब एग्जिट हो जाते हैं, जब आप कहीं से भी एग्जिट हो जाते हैं तो आप बाहर निकल जाते हैं, यानी कि आप उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। एक्सटेंट का मतलब क्या है, जो विलुप्त हो गया है, जो बाहर चला गया है, वो कैसा है आपका, एक्सटेंट है। समझ में आया, सभी लोग तरह से नोट करें फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए शाबाश, नोट करिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे आप वो जल्दी से करिए। यहाँ मैं आज किसी की बात नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि मुझको ज़्यादा से ज़्यादा विद इन टाइम यहाँ पर आपको कंप्लीट कराना है, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन लोग जल्दी से। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। हाँ जी, तो यहाँ पर आपके कंप्लीट हो आपके 11 के आसपास वर्ड, ठीक है। अपन लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपका लेते हैं, 11 था आई थिंक, हाँ 11 था या 12 था, चलिए 11 ले लीजिए, 10 हो गए थे आपके। प्रोसेलिटाइज, क्या है आपका वर्ड अगला, प्रोसेलिटाइज। प्रोसेलिटाइज का क्या मीनिंग होता है आपका, धर्मांतरण, है ना, यानी कि चेंज कर देना, क्या कर देना, चेंज कर देना, कन्वर्ट कर देना, किसी भी चीज को बदल देना, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, देखिए इस वर्ड को याद करा रहा हूँ आपको, प्रोसेलिटाइज साउंड्स लाइक हिप्नोटाइज। जब भी कोई भी आपने जादू देखा होगा, नाटक देखा होगा, वो ऐसे 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 करके एक पेंडुलम टाइप का होता है, वो हिलाते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, आपको हिप्नोटाइज करते रहते हैं, मैं अब तू मेरे वश में है, अब तू मेरे वश में है, अब जो मैं कहूँगा वो तू करेगा। तो क्या है, क्या कर दिया, प्रोसेलिटाइज कर दिया, कैसे कर दिया, हिप्नोटाइज करके, प्रोसेलिटाइज कर दिया, यानी कि अपने वश में करके क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, किसी भी चीज को बदल देना क्या कहलाता है आपका, प्रोसेलिटाइज। और आप उसको याद कर लेंगे हिप्नोटाइज से, प्रोसेलिटाइज साउंड्स लाइक हिप्नोटाइज, और आपको ये वर्ड
याद हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात यहां तक? अगला वर्ड देखते हैं आपका, अगला वर्ड क्या है आपका यहाँ पर, प्रीपोस्टीरियस। क्या है आपका? प्रीपोस्टीरियस। प्रीपोस्टीरियस का क्या मीनिंग होता है आपका? निरर्थक, यानी कि बेकार, है ना। इसको आप क्या बोल सकते हैं? एब्सर्ड। क्या बोल सकते हैं इसको आप यहाँ पर? एब्सर्ड। देखिए प्रीपोस्टीरियस को आपको याद करना है आपको पोस्ट से, प्री प्लस पोस्ट। भैया अब आप जो है, आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो क्या? आप हमेशा अगर आप क्लर्क पे ऐड हुए हो, यानी कि आपका ज्वाइनिंग हुई आपके क्लर्क पे, या आपकी कोई स्टैंड ओवर हुई है, या किसी भी ग्रेड पर हुई है आपकी, तो क्या आप हमेशा उसी पर रहना चाहेंगे? क्या आप तरक्की नहीं करना चाहते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल करना चाहते हैं। तो आप जब आप जॉब करेंगे, 5 साल आपको हो जाएंगे और आपके अंदर आगे बढ़ने की ललक है, तो आपके अंदर अपने से एक बात आएगी क्या, कि यार जो पहली वाली जो पोस्ट है, जो प्री पोस्ट है, वो कैसी है? बेकार है। अब मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ना है, मेरे को तरक्की करनी है। अब जो मेरी पहली वाली पोस्ट है वो कैसी है? मेरे को बेकार लगती है, मुझको अब आगे बढ़ना है। तो प्री पोस्ट यानी कि पहले वाली पोस्ट क्या है मेरी? बेकार है। अब मेरे को क्या है? आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका। अगला वर्ड क्या है यहाँ पर आपका? सेन। क्या है आपका यहाँ पर वर्ड? अगला क्वेश्चन नंबर 13, सेन। सेन का मतलब होता है आपका तार्किक, यानी कि लॉजिकल, यानी कि क्या आपका? रेशनल। एक दो वर्ड और रह गए आपके, बस उसको और देखते हैं फिर आपको फ्री कर देंगे। ठीक है, उस आप उसको याद करेंगे। देखिए सेन को आपको याद करना है तो सबसे अच्छा तरीका आप याद कर लो उसको संत से, है ना। सेन तो होता है ना साधु, तो जो साधु वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा लॉजिकल बात करते हैं, हमेशा आपकी तार्किक बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका वर्ड हो गया। लास्ट वर्ड आपका बहुत आसान लिया गया है, बहुत आसान वर्ड है क्योंकि क्लास में आया था, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। क्या है आपका वर्ड? ये क्रेडिबल। क्रेडिबल का क्या मीनिंग होता है सभी लोग जानते हैं? विश्वसनीय। क्या होता है? विश्वसनीय। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा उसका यहाँ पर आपका? बिलीवेबल। सभी लोगों को पता है, आसान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने कंप्लीट करा है आपके 14 to 15 वर्ड्स, है ना। एक आधा वर्ड आपका मिस हो गया होगा, क्या हुआ मिस वो मेरे को समझ में नहीं आया। जितने भी आपके यहाँ पर वर्ड लेकर के आया हूँ मैं आज, सारे मैंने आपको नोट डाउन करा दिए हैं अच्छे से, आपको हर एक वर्ड का सिनोनिम। साथ साथ जो कमाल की बात थी आज की क्लास में, वो ये आपकी ट्रिक, हर वर्ड के लिए आपको ट्रिक याद कराई गई है, एक तरीका बताया गया है बेहतर से बेहतर आपको चीज़ों को याद कराने का। तो सैटरडे वाला रिवीजन आपके लिए खास इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों को करते हैं ट्रिक के साथ, और सारा आपका प्रीवियस रिवीजन हो रिवाइज हो जाता है। तो अगर आपको बात समझ में आई हो, मज़ा आया हो, सभी लोग लाइक ज़रूर करेंगे, मेहनत को सलाम करेंगे लाइक करके। ठीक है, और हम आपके लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे, आपको अच्छा से अच्छा देते रहेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, जो आज पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मिलेंगे आपसे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।